सबसे पहले आप हाउ योर अपब्रिंगिंग इम्पैक्टेड यू। सो आपकी अपब्रिंगिंग क्या थी? आपने अपनी लाइफ में क्या देखा? व्हाट थॉट्स यू हैव टेकन फ्रॉम योर फैमिली? बिकॉज एवरी फैमिली हैज सम बिलीफ सिस्टम, राइट? सो वन पर्सन बिलीव, वन फैमिली बिलीव टू मच इन टू द गॉड, एंड वन फैमिली डज नॉट बिलीव एट ऑल इन द गॉड। दे आर लाइक वेरी प्रैक्टिकल, दे बिलीव इन देयर ओन कर्मा, विच इज ऑल्सो राइट, ओके, बट एवरीथिंग हैज इट्स ओन यू नो way of living the life. So generally we take all these system, like family system, on our own. So basically it is a rule not only for family constellation, it is a complete rule for all the therapies. Like what we are doing in the therapies, we are just releasing all the bundle of memories which is not working now. Okay, so we are having memories of only not only in this lifetime, we have memories of past life who believes, okay, and the memory of each and everything, as I said, ki abhi aapko chot bhi lagegi to wo memory wahan pe hogi, okay, aur yahi cheeze aage badhti rahi, that is how we create a pattern in our life, ye inke ye hote hi rehta hai. इस पर्सन के यहाँ डिवोर्स होते हैं और डिवोर्स होते ही रहते हैं, बिकॉज देर इज सम नेगेटिव बिलीफ अबाउट मैरिज. सो व्हेन समबडी इज डूइंग फैमिली कॉन्स्टेलेशन फॉर द मैरिज, दे विल अंडरस्टैंड व्हाई माय मैरिज इज नॉट वर्किंग. इट इज नॉट जस्ट कि मैंने हील कर दिया और सब कुछ हील हो गया, ऐसे नहीं होता. यहाँ पे आपको हर चीज समझ में आएगी कि व्हाई इट इज हैपनिंग इन माई लाइफ. यू विल गेट ऑल द आंसर्स फॉर योर वाइफ. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हमको ये समझना पड़ेगा कि हाउ दिस थेरेपी वर्क्स, हाउ व्हाई वी आर टेकिंग सो मच एंड फ्रॉम वेयर वी आर टेकिंग सो मच, राइट? अभी मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूंगी जिससे आपको समझ में आएगा कि हाउ फैमिली कॉन्स्टेलेशन वर्क एंड उसको करने से क्या होगा. तो सबसे पहले जो इम्पैक्ट करता है हमारी फैमिली कॉन्स्टेलेशन को या फैमिली को या हमें, इट इज सेल्फ, पेरेंट्स, बायोलॉजिकल चिल्ड्रन, हाफ ब्रदर हाफ सिस्टर, मिसकैरेज एंड अबॉर्टेड चिल्ड्रन, सिबलिंग, अनरिकॉग्नाइज्ड एक्स्ट्रामैरिटल चिल्ड्रन. ओके, सो जिसको ऐसा लगता है कि शादी नहीं हुई, इवन इफ यू हैव अ पार्टनर एंड यू हैड अ इंटीमेसी विद योर पार्टनर, पार्टनर इन द सेंस मे बी योर गर्लफ्रेंड और समबडी टू हूम यू आर नॉट मैरिड, इट इज ऑल्सो इम्पैक्ट योर फैमिली. ओके, एज पर द थ्योरी ऑफ फैमिली कॉन्स्टेलेशन, ये सारी जो नेगेटिव पैटर्न्स या जो हमें समझ में नहीं आ रहा आज इतना क्योस क्यों है मेरी फैमिली में, ये सारे सीक्रेट्स आते हैं फैमिली कॉन्स्टेलेशन में. कह रहे इनके फादर की तो एक और वाइफ थी या इनकी कोई दूसरी रिलेशनशिप भी था. सो दिस इज ऑल एक्चुअली इम्पैक्टेड योर फैमिली एंड यू वुड नॉट नो बिफोर दिस फैमिली फैमिली कॉन्स्टेलेशन की भाई ये सब कहाँ से हो रहा था, राइट? क्यों मैं इस सपोज क्या होता है कि हमारी फैमिली में कोई अगर पागल हो गया, हमने उसको मेंटल असाइलम में डाल दिया और भूल गए, ओके, या हमारा कोई रिलेशनशिप था, उस हम रिलेशनशिप में वी वर रेडी टू गेट मैरिड लेकिन वो शादी मैंने नहीं की, ओके, या हमारे पहले राजे महाराजे या जो जमींदार या जो भी लोग होते थे उनके बहुत सारे बच्चे बाहर भी होते थे, लाइक फैमिली के बाहर भी, ये सारी चीजें हमारी फैमिली में डिस्टर्बेंस क्रिएट करती हैं. इवन मिसकैरेज, इवन द अबॉर्टेड चिल्ड्रन, इट इज अ वेरी हैवी एनर्जी. जो आप पितृदोष बोलते हैं, काल सर्प दोष बोलते हैं, ये सब यहीं से आते हैं आपके. तो जब आप ये थेरेपी करते हैं तो वो दोषास भी निकलते हैं आपके धीरे धीरे, ओके. सो जब मिसकैरेज और अबॉर्शन होता है आपकी फैमिली में, तो एक्चुअली हस्बैंड वाइफ जो एक दूसरे से कंसर्न होते हैं वो एक्चुअली मेंटली बहुत अलग हो जाते हैं. तो ये और आपकी शादी में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आते हैं. मिसकैरेज एंड अबॉर्शन वाले जो लोग होते हैं जिनके घर में अबॉर्शन बहुत होते हैं, दे ऑलवेज हैव प्रॉब्लम विद द माइंड. One should not go for abortion, not at all. Miscarriage is still okay because this is not something which is in your hand, but still it works on your family. So basically, हम इन बच्चों को भी आपकी फैमिली में जगह देते हैं. I have lot of cases, okay, जहाँ पे बहुत पैसा था, बहुत, you know, like in Bombay only, I'm just talking about more than 10 families here. इनको पैसों की बहुत प्रॉब्लम हो गई, लाखों है, मतलब wives तीन तीन चार चार लाख की हीरे की यू नो रिंग्स पहन के घूम रही है. आज वो हालत हो गई कि घर पे बेचना पड़ रहा है बिकॉज ऑफ द एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर एंड द चिल्ड्रन फ्रॉम दैट अफेयर एंड विच वॉज फॉरगॉटन टोटली. तो व्हाट हैपेंस
इट ऑलवेज सक्स द एनर्जी बिकॉज देयर एनर्जीज आर नॉट एक्नॉलेज, उनको फैमिली में लिया ही नहीं गया. सो नाउ दीज किड्स जो आपकी फैमिली के अभी प्रेजेंट के किड है जो रह रहे, दे वर ऑल्सो नॉट कनेक्टेड विथ यू, दे विल ऑल्सो फील सम डिस्कनेक्शन समथिंग बिटवीन द पेरेंट्स, एंड पेरेंट्स बोलेंगे पता नहीं मेरे बच्चे को तो somehow he feels lost और हमारे साथ नहीं रहता और हमसे बहुत अच्छे रिलेशनशिप नहीं है, बिकॉज देयर इज समथिंग व्हिच इज गोइंग बिहाइंड द बैक. ओके, वो एनर्जी समझते हैं. इवन पेरेंट्स में जब लड़ाई होती है तो लोग कहते हैं, कह रहे हम तो अपना रूम बंद कर दे, बच्चों तक आवाज नहीं आती. नहीं, आवाज नहीं आएगी, लेकिन दैट एनर्जी चाइल्ड विल फील ऑलवेज, हमेशा जो हो रहा है उसकी एनर्जी क्रिएट हो रही है और वो आपकी लाइफ में उसका इम्पैक्ट होगा फॉर श्योर. सो मिसकैरेज और ये अबॉर्टेड चिल्ड्रन हैज अ वेरी हैवी एनर्जी इन योर फैमिली, और उनको उनकी जगह हम फैमिली कॉन्स्टेलेशन में देते हैं, तब जाके आपके प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं. जिनके घर में बहुत सारे अबॉर्शन हुए हैं, बिकॉज अबॉर्शन आर विलिंगली यू आर डूइंग, राइट? सो दिस इज बड़ा प्रॉब्लम, ये बड़ा प्रॉब्लम, इसको तो आपको सॉर्ट आउट करना ही होता है. वो हम सीखेंगे फैमिली कॉन्स्टेलेशन में कैसे करते हैं. नाउ इसका जो सेकेंड लेवल पे हम जब जाते हैं, तो सिबलिंग्स ऑफ पेरेंट्स, मिसकैरेज एंड अबॉर्टेड सिबलिंग ऑफ द पेरेंट, ग्रैंड पेरेंट्स, हाफ सिबलिंग ऑफ द पेरेंट, अनरिकग्नाइज्ड एक्स्ट्रा मैरिटल चिल्ड्रन एंड ग्रैंड पेरेंट्स. सो ये ग्रैंड पेरेंट्स से भी आज आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है या कोई भी पैटर्न है या कोई बीमारी है, आप उसको हो सकता है कि इमीडिएट जनरेशन से ना आई हो, ग्रैंड पेरेंट्स से ना आई हो, लेकिन पीछे से भी आ सकती है उनके, क्योंकि दिस इज योर चॉइस, यू आर चूजिंग इट आउट ऑफ लव एंड लॉयल्टी. देर इज नथिंग कॉल ये नेगेटिव चीज है या पॉजिटिव, इट वॉज एंड एज योर प्रेजेंट जनरेशन आप उसको ले लेते हो कि भाई ठीक है मैं नेक्स्ट जनरेशन हूँ मैं लेता हूँ. लेकिन ये सारी एनर्जी जब तक रिजॉल्व नहीं होगी, ओके, तब तक आपको कभी भी फैमिली में पीस नहीं मिलेगा. लेट्स गो टू द थर्ड लेवल. थर्ड लेवल पे सिबलिंग ऑफ ग्रैंड पेरेंट्स, miscarriage and aborted sibling of grandparent, unacknowledged relationship. Even if you are not willing to get married to a woman and aapne usko acknowledge nahi kiya aur chhod diya, maybe with the loose ends ki kya hua pata nahi, that also work on your marriage. Even not only your parents, your grandparents, sab log impacted hote hain, because it was the intention of your grandparents or maybe before to give a place to a lady and वहां पे नहीं हुआ, या लेडी के साथ भी ऐसा ही होता है. जनरली द फर्स्ट रिलेशनशिप वी क्रिएट इन आवर लाइफ, फर्स्ट रिलेशनशिप मे बी फॉर टू डेज इवन वी हैव क्रिएटेड दैट रिलेशनशिप, क्रिएट द लॉन्ग जर्नी, द सेम जर्नी फॉर अनदर रिलेशनशिप. आर यू गेटिंग मी? आई मीन टू से, ट्राई टू अंडरस्टैंड वॉट आई एम ट्राइंग टू टेल यू. इट इज अ वेरी डीप थेरेपी, इट इज अ वेरी डीप, इट हैज अ वेरी डीप अंडरस्टैंडिंग कि आपकी फैमिली में जो चीज हो चुकी है उसका जो कनेक्शन है वो आप तक रहेगा ही रहेगा, उसको आप डिस्कनेक्ट नहीं कर सकते अनलेस यू हैव दिस थेरेपी. ओके, इवन आपके ग्रैंड पेरेंट्स में क्या हुआ, आपके ग्रैंड पेरेंट्स के पेरेंट्स के साथ क्या हुआ, दैट ऑल्सो कैन कम टू यू. सो विद इन 3 generations इट इज पॉसिबल दैट आपने वहां से पैटर्न्स लिए हो जो हमको फैमिली कॉन्स्टेलेशन जब हम करते हैं तब पता चलता है. बट इसके अलावा भी अगर किसी ने मर्डर कर दिया आपकी फैमिली में और आपने उसको घर से निकाल दिया, या किसी ने शादी की, यू नो कि भाई मैरिज की किसी और कास्ट में जो घर के लोगों को पसंद नहीं, आपने उससे संबंध तोड़ दिए, ठीक है, आपने उसके साथ रहना मंजूर नहीं किया, नहीं ये मेरी फैमिली का भाई नहीं, इससे अपनी मर्जी से शादी कर ली, भाई जाओ यहाँ से, तुम्हारे लिए इस घर में कोई जगह नहीं है, एंड दिस पर्सन फॉरगॉटन, What will happen? Next generation में कोई एक person उस pattern को लेगा और आपके पास शिकायत आएगी, आपका client बोलेगा पता नहीं मैडम ये ऐसा क्या करता है कि बार बार भाग जाते हैं, हमें पकड़ पकड़ के लाना पड़ता है. Because this child is showing that you have, you know, किसी को आपने निकाला था, so now this person also will not take the interest in the family, वो भी भागेगा. जब आपको ये reasons पता लगेंगे तब आप उनको resolve करेंगे, then you will understand कि अच्छा ये बात थी. That is why. Are you getting me? Okay. Great grandparents, unrecognized relationship, war victim, ancestors, and heavy fate, serious accidents. Okay. So ये सब भी आपके ऊपर impact डालते हैं.